ओरिजिनल 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 आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड बट रिमेक्स लाइक्स मी आई कांट अवॉइड है ना। अच्छा डायरेक्टर्स लोग जाते होंगे ना शाहिद कपूर के पास, हमारे जो अजय देवगन सर के पास, या फिर हमारे अक्षय कुमार सर जो कि एक रीमेक के सरदार है, उनके पास जाते होंगे ना, बोलते होंगे रीमेक्स करोगे, ऑफर क्लोजेस सून। हाँ हाँ करेंगे, आने दो, ऑफर क्लोज नहीं करने का, अपन ऑलवेज रेडी रीमेक करने के लिए, ऑलवेज रेडी, कॉपी हो रीमेक हो जो भी हो आने दो, अपने पास ओरिजिनल कंटेंट बचा ही क्या है, अपन तो करेंगे रीमेक, फाड़ फाड़ के रीमेक करेंगे है ना। तो बनते जाते ऐसे रीमेक, हमको देखने को मिलते रहते हैं, अपन भी देखना पड़ता है क्या करें, अब जो दिखा रहे देखना तो पड़ेगा ना, मतलब रिव्यूज करने के लिए, सॉरी मजाक कर रहा हूं। अभी देखो शाहिद कपूर सर, शाहिद कपूर के लिए, शाहिद कपूर फैंस के लिए, या फिर शाहिद कपूर को मैं एक बात बोलना चाहता हूं यार। देखो आपकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है, स्पेशली आपकी एक्टिंग, आपका फ्रेश एटीट्यूड, फ्रेश एक्टिंग एक्सप्रेशंस, आपका काम इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है, आप उसको वेस्ट कर रहे हो, टोटली वेस्ट, कसम से बोल रहा हूँ। आपके काम को में आपके आपने जर्सी में जो काम करके दिया, कबीर सिंह में जो काम करके दिया, स्पेशली जर्सी की बात करूँ, आपने इतना ज़बरदस्त काम करके दिया, बट मैं ये मूवी से 0% चीज़ लेके आया हूँ इन थिएटर से, 0% कुछ नहीं मिला मेरे को उस मूवी के अंदर से, कुछ नहीं जिसके लिए मैं आपकी तारीफ कर सकूं, सिर्फ आपके काम को छोड़ दूं तो। अभी मैं आपको बोलना चाहता हूं भाई, आप जितना रीमेक्स पे या फिर कॉपी बोर्ड पे या फिर जो झोल कर रहे हो पब्लिक के साथ, इसको हटके, इसको साइड पे रख के आप यही काम, यही चीज ओरिजिनल चीज में करोगे तो भाई पब्लिक आपको कितना सपोर्ट करेगी, पब्लिक को कितना मजा आएगा। स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज ओरिजिनल चीज पे ध्यान दो, ओरिजिनल चीज बनाओ भाई, ओरिजिनल चीज बनाओ। अगर हम ये नहीं बोलते भाई आपको है ना ऐसी जबरदस्त स्टोरी ओरिजिनल में लाके दो, लाइक जर्सी, लाइक कबीर सिंह, आप इसका 20% भी लोगों को दोगे ना, 20% भी, तो लोग सपोर्ट करेंगे यार। एटलीस्ट भाई बंदे ने नया लाया है, बंदा नया लेके आया है, प्लीज यार रिमेक्स को बंद करो यार, साइड पे रखो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी मैं मेरी बात करता हूँ, मैं जर्सी देखने के लिए गया, सबसे पहले मैं थिएटर में गया तो थिएटर में लंबी लाइन थी, मेरे को लगा भाई मतलब यार जर्सी देखने के लिए इतनी खतरनाक पब्लिक, तो भाई मैं देख रहा तो भाई मेरा आगे जितने भी लोग थे ना टिकट लेने के लिए बोल रहे थे KGF, और ऐसे में मैं एकदम से उसके पास गया, मैंने बोला जर्सी, तो मेरे को बोलता है देखो भाई 3 टिकट बुक हुए, अगर कम से कम 10 लोग नहीं हुए तो मैं इस मूवी को नहीं लगाऊंगा। मैं बोला ठीक है भाई, अब भगवान भरोसे देते टिकट, अब चलो 10 लोग तो हो गए, जर्सी देख भी ली, बट मैंने सोचा था कि चलो यार एटलीस्ट यार देखो 2% या 2% या फिर 1% मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ तो नया देखने को मिलेगा यार, एटलीस्ट जो पुरानी जर्सी थी जो कि हमने देख रखी है, कुछ तो नया देखने को मिलेगा। भाई कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। शाहिद कपूर को भी जो लुक होता है ना वो भी कॉपी कर दिया, लोकेशंस ले लो, डायलॉग्स ले लो, स्टोरी तो पहले से कॉपी होने वाली थी यार, 1% भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं अपने साथ लेके आया हूँ कि भाई ये मेरे को नया देखने को मिला, सिर्फ शाहिद कपूर का वो परफॉर्मेंस, वो एक्टिंग को हटा दो तो कुछ नहीं। अभी चलो सबसे पहले तो ये मूवी किसको पसंद आ सकती है, ये मूवी उन लोगों को पसंद आ सकती है कि भाई जिन्होंने पुरानी जर्सी को नहीं देखा है, अगर वो लोग ये मूवी को देखने के लिए जाते ना तो ये मूवी उन लोगों के लिए इतनी जबरदस्त है ना, शाहिद कपूर का काम इतना जबरदस्त, उस बंदे के एक्सप्रेशन, उस बंदे का इमोशन, हर एक चीज आपको इतनी जबरदस्त लगती है ना, एकदम मजा आ जाता है। प्लस शाहिद कपूर की एक्टिंग भाई किसी किसी जगह पे तो लगता है कि भाई बंदे ने वो जो पुरानी जर्सी थी उसको भी बीट कर दिया है, कुछ कुछ जगहों पर ऐसा फील आता है, बट फिर भी यार मेरे जो नज़र में ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहता है और डुप्लीकेट हमेशा डुप्लीकेट ही रहता है, भले ओरिजिनल 50% हो और डुप्लीकेट 200% भी क्यों ना हो, मेरी नज़र में ओरिजिनल ही चीज़ बेस्ट रहती है। अभी देखो यार ये जो मूवी है जर्सी, इसके स्टोरी के बारे में क्या बात करें, अगर आपने पुरानी जर्सी देखी हुई तो वही सेम स्टोरी चिपका दी है। अच्छा इसमें देखो कुछ कुछ ऐसे चीज़ हमको दिखाई जाती है, जिस तरह से इमोशन दिखाया जाता है जब वो जो हमारे शाहिद कपूर होता है जो अर्जुन तलवार, उनके लाइफ में कैसा फेज आता है जहाँ पर उनकी सरकारी नौकरी भी चली जाती है, उनकी जो वाइफ होती है वो भी उनको ताने मारती है भाई घर पर रहते कुछ काम करते नहीं हो ना, जो उनका जो लड़का होता है वो जर्सी की डिमांड करता है मेरे को इंडिया की जर्सी चाहिए, मतलब ये सारी के सारी चीज देख के मेरे को लग रहा था तो मेरी स्टोरी चल रही है, साला मेरे घर में ये चलता रहता है, अरबाज ये कर रहा है वो कर रहा है, बड़ा कुछ करता नहीं है ये नहीं, मतलब सॉरी मजाक कर रहा हूं, मींस कि यार ये हर घर की कहानी होती है। अभी हमारे इधर की बात करें, हमारे गुजरात में तो ये बहुत चलता है यार, बहुत चलता है, अगर आप 18 से 20 साल के या फिर 25 साल के हो, आप कुछ करते नहीं हो ना, तो भाई जिस तरह के यहां पर ताने मिलते ना उसकी तो कोई हद ही नहीं है यार, हमारे गुजरात की तो बात ही छोड़ दो यार, ये कसम से बोल रहा हूं, ये जो गुजराती लोग हैं इनको ये मूवी दिखा
हुआ होगा तो बोलेंगे भाई, मतलब 95% लोग तो यही बोलेंगे भाई मेरी स्टोरी चल रही है, ऐसा ही फील आएगा आप लोगों को। बिकॉज ये जो हमारे समाज में होता है जबरदस्त होता है, मतलब ये होता ही रहता है। एंड इसके अंदर जिस तरह से बारीकी से भाई वो जो एक स्टोरी दिखाई जाती है, जिस तरह के बारीकी से इसका इमोशन दिखाया जाता है अपन को, वो सब देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। बट ये मूवी वहां पर मार खा जाती है कि भाई एक ऐसी मूवी का रीमेक आपने बना दिया जो कि हमने ऑलरेडी देख के रखी थी। यार शाहिद कपूर है ना, मिस्टर पंकज सर, सारे के सारे जितने भी स्टार कास्ट है उनका काम भी एकदम जबरदस्त होता है। इमोशन के साथ कनेक्ट भी होते हैं हम, जिस तरह से शाहिद कपूर ने काम किया, फ्रेश एक्टिंग, वो फ्रेश एक्सप्रेशन, वो इमोशन, हर एक चीज देखने के बाद एकदम मजा आता है। मेरे को एक और चीज समझ नहीं आती है, आप मूवी हिंदी में बना रहे हो, हिंदी में मूवी बनाने के बाद ये जो सॉन्ग से पंजाबी में क्यों ऐड किए, क्यों साला? मतलब मेरे को तो सॉन्ग ही समझ नहीं आ रहे, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है भाई। एटलीस्ट सॉन्ग्स तो हिंदी में डाल देते थे यार, प्लीज यार। हाँ मैं मानता हूँ कि भाई जो स्टोरी आप दिखा रहे हो पंजाबी, मतलब पंजाबी स्टाइल, पंजाबी साइड की आई हुई ऐसा कुछ है ना, पंजाबी साइड की है, तो ऐसा आप लोगों ने ऐसा कुछ सोचा होगा कि भाई चलो यार सॉन्ग हम पंजाबी में डाल देते हैं। बट यार जो हम मूवी देखने वाले वो हिंदी ऑडियंस है यार, अगर वो सॉन्ग आप हिंदी में डालते तो काफ़ी ज़्यादा मजा आता था। प्लस देखो जो क्रिकेट लवर्स है उसका जो क्रिकेट का अगर नॉलेज है या फिर क्रिकेट में क्रिकेट का जो फैन है उसको भी इस मूवी में बहुत ज़बरदस्त मजा आएगा। बिकॉज यार जिस तरह से शाहिद कपूर जो शॉर्ट्स खेलते हैं, शाहिद कपूर जिस तरह से क्रिकेट खेलते वो देखने के बाद भी मेरे को काफी ज्यादा मजा आता है। एंड एक और बात, मेरे को 83 से ज्यादा फील इस मूवी में आया है, बिकॉज 83 एक बायोपिक हो जाती है, बट यहां पर अगर हम जर्सी की बात करें तो जिस तरह से इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपन इस मूवी के साथ वो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। अच्छा कुछ लोग ये भी बोलेंगे भाई वो तो बायोपिक थी, हमने पहली बार देखी थी और तू रीमेक बोल रहा है कि रीमेक बायोपिक पे कैसे हावी हो सकती है। यार मैं देखो एक्टिंग के मामले में बोल रहा हूँ, इमोशंस के मामले में बोल रहा हूँ, इस सब चीज के मामले में बोल रहा हूँ। एंड यार जर्सी मुझे काफी ज्यादा बेटर लगी है 83 से, जिस तरह से डायरेक्टर्स का, जिस तरह से मेकर्स का दिखाने का तरीका होता है 83 में इतने कनेक्ट नहीं हो पाते, बट जर्सी मजा आ जाता है, एकदम फील आ जाता है यार। अच्छा देखो मैं इस मूवी का दूंगा 5 में से 2 स्टार, 2-3 स्टार मैंने ऐसे ही काट लिया है। बिकॉज यार आप एक डुप्लीकेट बना के रेट ऐसे ले रहे हो कि भाई आपने ओरिजिनल बना के दिया 300 रुपए का, 200 रुपए का एक टिकट, साला समझ में नहीं आता साला रीमेक दिखने जा रही है ओरिजिनल। उसके बाद मैंने एक स्टार इसका ये लोग का इसलिए काट लिया बिकॉज ये लोग ने रीमेक चिपका दिया, और एक स्टार इसलिए काट लिया क्योंकि भाई ये लोगों ने रीमेक तो चिपका दिया पर फुल टू फुल रीमेक चिपका दिया। उसके बाद मैंने मतलब ऐसे ऐसे स्टार काटे कि मैं आपको क्या बोलूं, मैंने 2 स्टार दिए। सबसे पहला शाहिद कपूर की वो एक्टिंग, एंड दूसरा स्टार मैंने दिया जर्सी के मेकर्स के, भाई वो लोगों ने इतनी जबरदस्त स्टोरी हमारे सामने रखी, वो जर्सी में भी, पुरानी जर्सी में भी एंड नई जर्सी में भी। तो भाई इसका एक स्टार मैं इसको देना चाहूंगा, 5 में से 2 स्टार, इससे ज्यादा मेरे को देने का मेरे को मतलब समझ नहीं पड़ती है कैसे दू। अब एक रीमेक को ज्यादा स्टार कैसे दे सकते हैं। एनीवेज यार देखो कुछ कुछ सीन मेरे को कसम से ऐसा लगता है कि शाहिद कपूर ने इतने जबरदस्त किया ना कि पुरानी जर्सी को पीछे छोड़ दिया। जिस तरह से वो ट्रेन के सामने शाहिद कपूर जिस तरह से चिल्लाते भाई, उस तरह से चिल्लाना मेरा निकलेगा नहीं, पर जिस तरह से चिल्लाते ऐसा लग रहा था इस मूवी को देखने के बाद मैं भी लास्ट में चिल्लाऊं कि चूतिया बना दिया। एनीवेज यार देखो मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई जिन्होंने ये जो पुरानी जर्सी अगर नहीं देखी, अगर वो इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे तो भाई मजा आ जाएगा। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा शाहिद कपूर ने जिस तरह से काम किया वो काफी मजेदार है। शाहिद कपूर ने जिस तरह से एक्सप्रेशन दिए, जिस तरह से काम किया, जिस तरह से एक्टिंग की है बहुत ही जबरदस्त किया है। बट मैं आपको बोलना चाहूंगा शाहिद कपूर सर, आप रीमेक्स को साइड पर रख के अगर ओरिजिनल बनाओगे तो भाई आप इंडिया के बिगेस्ट फ्यूचर में मतलब बड़े सुपरस्टार हो सकते हो, लाइक सलमान खान, मजाक कर रहा हूँ, सलमान खान से बड़े भी हो सकते हो। तो भाई प्लीज यार प्लीज रीमेक्स को साइड पर रखो और ओरिजिनल चीज पे ध्यान दो। बात करें इस मूवी की, मूवी काफी जबरदस्त है, आपने काम अच्छा किया है, बट रीमेक्स इसमें मूवी ने है ना मूवी के छक्के छूट, मतलब मूवी का छक्के छूट गए रिमेक्स की वजह से, बाकी मूवी में काफी ज्यादा मजा था। एनीवेज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।